आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है कि क्या शाहीन बाग का रास्ता खुल नहीं पाएगा या शर्तों पर खुल पाएगा। और जो शर्त शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकारों के सामने रखी हैं, क्या उन पांचों शर्तों को मान पाएंगे वार्ताकार? क्या सुप्रीम कोर्ट उन पाँचों शर्तों पर एग्री कर पाएगा? दरअसल चौथे दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए वार्ताकार पहुंचे शाहीन बाग के धरना स्थल पर, और धरना स्थल पर शाहीन बाग के लोग इस बात पर तैयार हुए कि वो रास्ता खोल देंगे, लेकिन उनकी पांच शर्तें हैं। वो पांच शर्तें बहुत ही अजीबोगरीब नहीं कही जा सकती हैं, बल्कि बहुत ही बेसिक शर्तें हैं। और वो बेसिक शर्त हैं, उन पाँचों शर्तों पर आज हम बात करेंगे कि वो पाँच शर्त क्या हैं रास्ता खोलने की। दरअसल साधना रामचंद्रन, जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो पहुंची थी चौथे दिन शाहीन बाग में बात करने के लिए। तो जो वार्ताकारों से बात के दौरान शाहीन बाग के लोगों ने डिमांड रखी है, उसमें पहली डिमांड ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले। मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी लेगा जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की। पहली डिमांड ये रखी गई। दूसरी डिमांड ये रखी गई कि सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो माहौल खासतौर से जामिया में देखने को मिला, जिस तरह का रवैया दिल्ली पुलिस का देखने को मिला कि गुंडा आता है, बंदूक चलाता है और पुलिस हाथ बांध करके खड़ी रहती है, तो इस तरह से दिल्ली की पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को नहीं दी जाएगी। जो तीसरी डिमांड थी होती कि जामिया के स्टूडेंट्स में प्रदर्शन के दौरान जामिया के जो निर्दोष छात्र हैं उन पर जो फर्जी मुकदमे लगे हैं निर्दोष होने के बावजूद, उनको सरकार वापस लेगी। तीसरा मुद्दा ये था। चौथा जो मुद्दा था वो बहुत ज़रूरी था, और वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इसमें उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात की गई है जिन्होंने शाहीन बाग को लेकर के गलत बयानी की। मतलब जो शाहीन बाग को लेकर के तरह तरह के बयान दिए गए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिए, अनुराग ठाकुर ने बयान दिए, इसके अलावा ख़ासतौर से स्मृति ईरानी का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग की महिलाएं बात करने के भी लायक नहीं हैं। तो प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि जिन लोगों ने भी शाहीन बाग को लेकर के गलत बयानी की है उन पर सरकार कार्रवाई करे। और जो पाँचवीं और सबसे अहम मांग थी वो ये थी कि ये सारे आश्वासन सिर्फ ज़बानी नहीं होंगे बल्कि लिखित में दिए जाएंगे। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या लिखित में इन सभी आश्वासनों को दे सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो वार्ताकारों का जो पैनल आया है, लेकिन वो इसको देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि वार्ताकार अपनी डिमांड लेकर के आते हैं कि रास्ता खोल दीजिए, लेकिन वो बदले में प्रदर्शनकारियों को क्या देंगे, इसका कोई हल कोई समाधान वो लेकर के नहीं आते। बहरहाल इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई होनी है अगली। अब देखना ही होगा कि 24 फरवरी को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और आगे क्या मामला इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के बनता है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो पांचों मांग की गई हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से, उन्हें कितना जायज ठहराया जा सकता है? आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएँ, जाकर के अपनी राय में ज़रूर बताएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।